आपने देखा हमारी भारत की परंपरा ने कनुप्रिया, आप जानती हैं कि जो ब्राह्मण है जब अपनी संध्या करता है तो उस सुबह में भी सूर्या को अर्घ देता है और रात को जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उसको भी अर्घ देता है। हमें सिखाया गया उभरते हुए को उभारना, वेलकम करना, जा रहा हो तो उससे क्षमा मांगना, कहना फिर आना। गुजराती में एक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द, जब घर से निकलने लगता है ना तो हम जहाँ कहते अच्छा जी, वो कहते हैं आप जो आइएगा आइएगा। कितनी बड़ी बात है। कई कई शब्द ऐसे हैं कि उनको सब गहराई में जाते हैं, तो आप जो में क्या कितनी शक्ति है कि फिर आना। अभी चाहे परंपरा बन गई हो पर जब शुरू हुआ जहाँ जो मन से कहते हैं कि आप जो, और दूसरा शब्द एक आपने आप सुनते हो, मुस्लिम लोग ज़्यादा बोलते हैं तो उनको कहें मुमताज़ जी कल मिलते हैं, वो कहें इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह कितनी बड़ी बात कि ईश्वर तेरी इच्छा होगी ना, वो सच में उसकी इच्छा होगी तो मिला जाए। इंशाअल्लाह का कोई प्रायवाचक नहीं, आप उसकी मुझे हिंदी पंजाबी इंग्लिश करके दिखाइए, नहीं हो सकती है। इवन बंगाली में भी मैं कैसे कहते हैं कि मैं जाके आती। अच्छा, कभी भी ये नहीं कहा जाता कि मैं जा रही, ये कहा जाता है कि मैं जाके आती, जाके आती, भी आ रही, आके आ रहा हूँ वापस ना। वहाँ पे बंगाली में तो जो मैं बोलूँगा मैं आती हूँ ऐसे ही बोलेंगे ना, मैं जाके आती। क्यों, बंगाली में जैसे ड्रिंक शब्द नहीं है, पीना शब्द नहीं है, मैं दूध खा रहा हूँ, पानी खा रहा हूँ, खीर खा रहा हूँ, ऐसा है। पर बंगाली बहुत बहुत मीठी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। दोस्तों, भगवान को लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं, ईश्वर को लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं।